ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला ईडी ऑफिस से हाजर हेले झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवैध खनि खनन मामलें सोरेन को प्रवर्तन निर्देशालय समन करथिला। ईडी रे हाजर हेबा पूर्वरु सोरेन समर्थक को संबोधित करथिले। माइनिंग केस नारे सरकार भांगिबा को षड्यंत्र करा जाउछि। बीजेपी इंगित रे केंद्रीय एजेंसी विरोधी को टार्गेट करछि बोली सोरेन कहिछन्ती। रांची रे जेएमएम नेता और समर्थक माने एकाठी होई सोरेन को समर्थन रे स्लोगान देबा सह केंद्रीय एजेंसी रो दुरुपयोग करा जाउथवा नै नाराबाजी करथिले। समर्थकक भिड़ को दृष्टि रे रखी रांची रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। ईडी समन परे गतकाली जेएमएम और कांग्रेस विधायकक अलग अलग बैठक बसीथिला। या परे सोरेन सरकार रे शामिल थिबा समस्त दल रो विधायकक बैठक होइथिला। बैठक रे निष्पत्ति मुताबक आज सोरेन ईडी कार्यालय रे हाजर हेबे। बेन खणि खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे पूर्व रो ईडी एकाधिक गिरफ्तारी करि सारिछि। जब से एजेंसी जांच कर रही है जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता, और जिस तरीके से समन की कार्रवाई चल रही है लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हों। हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। आज के समय में जो अच्छा काम जो सरकार करती है उसको फंसाया जाता है। हमें मुख्यमंत्री जी जहां जाएंगे वहां हम लोग जाएंगे उनके साथ। मैं गुनाहगार हूं तो हमें गिरफ्तार किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट भी यह मामला को खारिज किया, फिर भी दोबारा षड्यंत्र के तहत फिर इनको 17 नवम्बर को आज ही इन्हें सम्मन जारी करके बुलाया गया है। तो जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा, जहाँ जहाँ परेशानी में होंगे तहाँ तहाँ हम उनके साथ हैं, और जहाँ भी जाएंगे यदि उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा तो हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं।